भारत में कोरोना वायरस की दूसरी लहर के खतरे को देखते हुए बीसीसीआई ने आईपीएल को बीच में ही अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया था। संक्रमण की रफ्तार इतनी अधिक थी कि कई खिलाड़ी भी इसकी चपेट में आए। अब कोरोना धीमा जरूर हुआ, लेकिन खतरा अभी भी बना हुआ है। बीसीसीआई ने आईपीएल के बाकी मैच सितंबर और अक्टूबर में कराने का फैसला लिया है, जिनमें विदेशी खिलाड़ियों के खेलने की उम्मीद कम है। न खेलने वाले खिलाड़ियों में इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी भी शामिल हैं। स्टार ऑलराउंडर बेन स्टोक्स और तेज गेंदबाज पैट कमिंस बचे हुए मैचों से दूर रह सकते हैं। ऐसे खिलाड़ियों को लेकर बीसीसीआई ने कड़ा रुख अपना लिया है। बीसीसीआई के एक अधिकारी ने बताया कि अगर विदेशी खिलाड़ी आईपीएल 14 के बचे मैच नहीं खेलते हैं तो उनको प्रो राटा के आधार पर पैसा दिया जाएगा। अधिकारी ने कहा कि फ्रेंचाइजी के पास खिलाड़ियों की सैलरी काटने का अधिकार होगा। बता दें कि अगर कोई खिलाड़ी आईपीएल का पूरा सीजन खेलता है तो उसे 12 महीने में 3-4 किस्त में सैलरी दी जाती है। वहीं अगर कोई खिलाड़ी पूरा सीजन नहीं खेल पाया तो ऐसे में उसे प्रो राटा के आधार पर भुगतान किया जाता है। ऐसे में साफ है कि जो विदेशी खिलाड़ी अब आईपीएल में हिस्सा नहीं ले पाएंगे तो उनकी नीलामी राशि उन्हें पूरी नहीं मिलेगी, जिससे खिलाड़ियों को काफी ज्यादा नुकसान होगा। दोस्तों, इसी तरह की और क्रिकेट न्यूज के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल में ऑल सेलेक्ट करना ना भूलें।